इमरजेंसी के लाए थे वैसे भी यहाँ वार्ड में। कितने साल का है? डेढ़ साल का है। क्या नाम है? ये बताइए कि सिस्टर अब कहाँ इनको एडजस्ट कीजिएगा, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा सर? हाँ कहाँ एडजस्ट कीजिएगा, वो बच्चा वेट कर रहा है, उसकी हालत ख़राब है, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा बताइए, कहाँ जगह कितने साहब है ना बताइए ना सर, आप लोग कैसा इंतजाम किया? एक सेकंड, बच्चा यहाँ पर है, लेके आ रहा है, कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं, अगर आपके पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो आप दूसरे वार्ड में पहले भी तो भेज सकते हैं। हम लोग को बताया ही नहीं जाता कि कहाँ लेके जाए, वहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से हम लोग लेके। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं आप, क्या कीजिएगा आप लोग, कोई इंतजाम? अभी मुख्यमंत्री गए ना यहाँ से, तब ये हालत है, मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं तब ये हालत है, पेशेंट लाके वेट कर रहा है, अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब आप मुड़ के नहीं देखते एक घंटे तक, आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना, आपकी नर्सेस उसकी सुध ले रही है, कोई सुध नहीं ले रहा। केस अभी जस्ट आया, मैं अभी ले रहा हूं, 5 मिनट से तो मैं देख रही थी बच्चे को पड़े हुए, डाउन। लेकिन अगर कोई नया पेशेंट आया है तो उसको आप इंस्ट्रक्ट तो कीजिएगा, कहाँ भेजना है, क्या करना है। नया पेशेंट कर रही थी ना, आप खड़ी है, आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, आपने बताया। अच्छी बात करने के लिए हम नहीं आए सर, हम तो ये देखने आए कि बच्चे की जान की कीमत इस देश में बची है या नहीं बची है। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो इंतजाम है वो भी तो समझ में आए कि आप लोग कुछ। देखिए कि पल पल यहाँ बच्चों की मौत हो रही है और आप कह रहे हैं बच्चा बड़ा हुआ है, थोड़ी देर में हम देख लेंगे फिर कर लेंगे, ये तो सिस्टम है ना। नहीं बोला हमने थोड़ी देर में देख लेंगे, प्लीज आप बोल रहे थे अभी हमने ये बोला थोड़ी देर में देख लेंगे, बच्चा आया, आपने बोला बच्चा आया, आपने बोला बच्चा आ गया। इलाज कीजिए डॉक्टर साहब और कोशिश कीजिए कि सबको सही जगह ले जाया जाए, अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो देखिए आप हालत क्या, एक एक बेड पे दो दो बच्चे, अभी भी आईसीयू और अभी मुख्यमंत्री साहब यहाँ से गए, मुख्यमंत्री के जाने के बाद ये परिस्थिति है, क्या हालत है देखिए, ऐसे इन हिस्सों में भी। आप लोग बताइए आप लोग किस तरह से सिस्टम को ऑपरेट कर रही हैं, जब बच्चा यहाँ आ जाता है तो कोई तो देखेगा ना कि कहाँ जाएगा। क्या हम लोग तो देख ही रहे हैं ना, वो एक और सिस्टर थी वो उसको ट्रीटमेंट करती, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बच्चा आता है उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे तो बच्ची पड़ी हुई है, आप लोग डिसाइड करेंगे ना अगर यहाँ जगह नहीं। अरे यहाँ उसको कहाँ एडजस्ट कीजिएगा बताइए, ऐसे ही एडजस्टमेंट हो रहा है, एक एक बेड में दो दो तीन तीन बच्चा लग के हम लोग केयर कर रहे हैं, जो जगह लगा उसी में ना केयर करेंगे। चलिए ये परिस्थिति है और इनकी भी जितने बेड्स हैं कुल मिलाकर कितने टोटल बेड्स कितने हैं सर आपके पास? 5 ICU सबके सारे फुल होते हैं, जो पन्ने में हमें डबलिंग भी होता है, हमारे यहाँ पे डबलिंग भी करते हैं, किसी बच्चा को मना तो नहीं कर सकते। इतना कहना है सर कि थोड़ी सी हम लोग सेंसिटिव रहे, बच्चा पड़ा हुआ है उसका परिवार वाला खड़ा है तो यहाँ जगह नहीं है उसको दूसरे वार्ड में ले जाओ, शिफ्टिंग का जो एक ऑपरेशन होता है जो सिस्टम होता है हमारा, हम लोग थोड़े सतर्क दिखे तो शायद बेहतर, कम से कम कहा गया है कैमरा और माइक की रोशनी में सिर्फ इलाज नहीं होता ना डॉक्टर साहब, कि ऑन करके मैं हल्ला मचाऊं तब वो हो, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि फौरन जो हम लोगों में एक संवेदनशीलता दिखनी चाहिए वो क्यों नहीं दिखती? आप क्यों लगता है कि आप किसी भी संवेदनशीलता नहीं है? आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं, आप बताइए ना, तो बताने की बात नहीं है तो आपको बताना था ना, क्योंकि आप खड़े थे यहाँ पर मेरे बोलने के बाद आप इधर आए ना, आपकी नर्स देख रही है कह रही है दूसरे जगह ले जाओ। वही है ना, वो तो हम देख रहे थे कि कैमरे के सामने आप इलाज करते हुए दिखना चाह रहे थे और अच्छी बात भी आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को कोई कोई क्यों नहीं देख रहा था, क्यों नहीं देख रहा था, तो शोर मचाना पड़ा? नहीं नहीं बच्चे को कोई अटेंड क्यों नहीं कर रहा था, बच्चे को अटेंड क्यों नहीं कर रहा था, आप अपना काम कीजिए, बच्चे को कोई अटेंड नहीं कर रहा था। यही आपकी संवेदनशीलता है कि आपको लगता है यहीं पर 5 मिनट 10 मिनट वेट करना तो इनकी वो है, नियति है, इनको वेट करना चाहिए।